24। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। उनकी काउंसलिंग चल ही रही थी कि ठीक उसी वक्त NSUI के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर उनकी काउंसलिंग का जमकर विरोध किया। वहीं दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई व मारपीट भी हुई। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं के काउंसलिंग करने के लिए पहुंचे थे। उनकी काउंसलिंग चल रही थी कि ठीक उसी वक्त NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी काउंसलिंग का जमकर विरोध किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है और इस वक्त बिना किसी को जानकारी दिए, बिना कोई परमिशन लिए इस प्रकार का आयोजन करना कतई सही नहीं है। इसी को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, पर दोनों ही पक्षों में नारेबाजी विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद अचानक मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों की ओर से लाठी डंडे और जमकर बेल्ट चले। तत्काल इसकी सूचना चकधर नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों को अलग कराया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी दोनों ही पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई। अंततः दोनों ही पक्ष एक दूसरे की शिकायत लेकर चकधर नगर थाना पहुंचे और भाजपा वालों ने NSUI के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ NSUI के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट की शिकायत की है। जी, अभी हम लोग किरोड़ीमल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज में पहले प्रिंसिपल साहब से मिले और प्रिंसिपल साहब से चर्चा करने के बाद हम लोग बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए हॉल में गए। करियर काउंसलिंग मैं पूरी तरह से कर रहा था, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सब जगह अवेलेबल है। उसमें कोई विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, पूरी करियर काउंसलिंग हो रही थी। वहाँ पे आकर NSUI और कांग्रेस से रिलेटेड कुछ लोगों ने हमारे लोगों के साथ बहुत गंदी गालियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट किया है। हमने TI साहब को इस बात की पूरी तरह से बात को बताया है और हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई पुलिस करे। जी भैया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, पूर्व में IAS भी रहे हैं। प्रिंसिपल पूरे विधि द्वारा प्रिंसिपल सर से बातचीत करके और प्रिंसिपल सर ने सारे स्टूडेंट लोगों को बोला था इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि ये काउंसलिंग का कार्यक्रम था, क्योंकि वो पूर्व में IAS रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी अपनी जगह पर। तो उस संबंध में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसके दौरान पार्षद है कांग्रेस के आरिफ हुसैन, वो और अपने साथियों के साथ अचानक से दर्जनों लोगों के साथ घुसे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट करना चालू कर दी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोका, हमारे कोई भी कार्यकर्ताओं ने उल्टा हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये भी है कि हम डरने वाले नहीं हैं इस गुंडे प्रवृत्ति के लोगों से। पहले भी ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जब से कांग्रेस सरकार आई है, आज इनके पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है। हम आगे भी लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसमें ज़्यादा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उसकी मांग करते हैं। डिग्री कॉलेज में भाजपा के नेता ओपी चौधरी का सेमिनार बिना प्रिंसिपल को सूचना दिए चल रहा था, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, प्रिंसिपल के बिना जानकारी के कॉलेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग और ओपी चौधरी सब लोग अंदर कार्यक्रम कर रहे थे, जिसका विरोध कर हमारे NSUI के साथियों ने विरोध किया। तभी अचानक भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने हमारे साथियों पे हमला कर दिया और धक्का मुक्की कर गाली गलौज किए। आपके भी कपड़े फट गए। इसके बाद मैं जब आया तब करीबन 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे, सबके बीच में आपसी विवाद हुआ। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।